सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 9th क्लास में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 42। एक सम त्रिबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई h के बराबर दी हुई है। तो हमने एक सम त्रिबाहु त्रिभुज बनानी है और हमें ऊंचाई दे रखी है। सबसे पहले हमने ऊंचाई लेनी है, ये हम ले लेते हैं ऊंचाई, ये h रेखा के बराबर है। तो h रेखा के बराबर ऊंचाई दी है, तो हमने यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन लगानी है। अब हमें इसमें ए बी रेखा नहीं लगाएंगे, आधा रेखा नहीं इसमें दी हुई है, सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है और वो है ऊंचाई h रेखा के बराबर। इतनी हमने एक लाइन लगा दी है डॉटेड यहाँ पे, और हम यहाँ पे h जितना हमारा इतनी प्रकार खोल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम इसको काट देंगे इस तरह से, यहाँ से मैंने काट दिया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही h रेखा के बराबर है। तो हमारी फालतू जो लाइन है इसको हम यहाँ पे हटा देंगे यहाँ से। और हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, हम इसका नाम दे देते हैं डी, यहाँ पे डी, और यहाँ हम नाम दे देते हैं इसका ए। ये एच रेखा के बराबर है, तो हमने डी पर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले 90 डिग्री का कोण आपको सबको आता है बनाना। हम सबसे पहले इस तरह से एक चाप लगाते हैं, फिर हम यहाँ से जहाँ पे ये चाप इस रेखा के साथ कट रही है यहाँ से हम पहली चाप लगाएंगे, और ये चाप हमारी होती है 60 डिग्री की। फिर यहाँ पे हम इस तरह से प्रकार रखेंगे और फिर हम इस चाप को इस तरह से काट देंगे। यहाँ से हम जो है वो इस तरह से आगे चाप लगाएंगे, और इस तरह से हमारा 90 डिग्री का कोण जो है वो बन के तैयार हो गया है। वो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से मिला देना है। और यहाँ पे ना हमने हल्की रेखा लगानी है, हम ये डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि बाद में हमारी बेस लाइन बननी है। तो हमने यहाँ पे हल्की लाइन लगानी है इस तरह से हम यहाँ पे एक हल्की लाइन लगाएंगे। और अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ए पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे भी हम जो है वो इस तरह से यहाँ पे हम एक अर्धवृत्त जितना हमारा बनता है लगभग उतनी हम यहाँ पे चाप लगाएंगे डॉटेड इस तरह से। जहाँ पे ये नीचे यहाँ पे ये आपका पॉइंट है, आप चाहो तो नाम दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से आपने इधर को चाप लगानी है और इधर को चाप लगानी है, तो ये जो आपकी चापें बनती है ये बनती है 60-60 डिग्री की। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक कोण बन गया 60 डिग्री का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपने क्या करना है 60 डिग्री का आधा कर देना है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ये चाप आपकी आगे आ जाएगी इस तरह से, और यहाँ से इसको हम काट देंगे, यहाँ से हम काटेंगे इसको इस तरह से। अब देख सकते हैं इस तरह से इसको काटेंगे, और अब हम इसको मिला इन चापों के जहाँ ये जैसे ये पॉइंट आ रहा ना, इसको हम मिलाएंगे ए के साथ यहाँ पे, और ए के साथ आप मिलाएंगे तो जहाँ ये नीचे इस रेखा को काटेगा यहाँ तक हम इसको डार्क कर देंगे, और ये जो आपका पॉइंट आ गया ये आ गया आपका सी। और हमने ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी हमने ए के साथ यहाँ पे ऐसे मिला देना है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पॉइंट आपका आ गया ये आ गया बी। अब आपने क्या करना है, बी और सी जो आपकी रेखा है इसको आपने डार्क मिला देना है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपकी समत्रिबाहु त्रिभुज बन के तैयार हो गई है। यदि आपने सही प्रकार खोली होगी, सही आपने नाप लिए होंगे, सही आपके एंगल होंगे, तो आपकी ये समत्रिबाहु त्रिभुज बन के तैयार हो गई है इस तरह से। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल बराबर आ रही है, ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ये प्रूफ आपका, ये देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल बराबर है, तीनों भुजाएं इसकी बिल्कुल बराबर आ रही है। आपने भी इसको इसी तरह से बनाना है, यहाँ आप लिख सकते हैं 30 डिग्री, ये भी है 30 डिग्री, और ये एंगल आपका जो है ये है 42। इस तरह से आपने इसको आसानी से बनाना। अगला हम करेंगे 43। 43 क्वेश्चन नंबर है आपका 9th क्लास में। सम
द्वि बाहु त्रिभुज बनाओ जबकि एक भुजा बी और आधार कोण एम दिया है। तो सबसे पहले आपने एक भुजा लेनी है, वो है बी। तो यहाँ पे हम एक भुजा ले लेते हैं इस तरह से, इसका नाम हम दे देते हैं बी। ये हमने एक भुजा ले ली है बी, अब हम लेंगे कोण, और कोण है एम, कोण उसका हम नाम देंगे। तो हमने यहाँ पे कोण ले लेना है इस तरह से, अपने मर्जी से आपने कोण लेना है। हम यहाँ पे इतना कोण ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइनें थोड़ी इनकी बराबर होनी चाहिए, जितनी ये लाइन है लगभग इतनी हो। यहाँ पे हम इसमें एक चाप लगा देंगे और इसका नाम हम लिख देंगे यहाँ पे, ये है हमारा एम कोण। अब हम क्या करेंगे, एक रेखा ले लेते हैं और उसमें हमने अभी कोई नाम नहीं देना है, सिर्फ एक साइड हम नाम देंगे बी। हमने क्या करना है, जितना आपका ये कोण है इधर को हमने चाप लगाई इतनी प्रकार खोल के, हम बी पॉइंट से यहाँ पे एक चाप लगा देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। और जितना ये कोण बड़ा हमारा है डिग्री का, जितना ये होगा ये इस तरह से हमने प्रकार खोल के यहाँ से हमने इसको काट देना है इस तरह से, और हम इसको मिला देंगे इस तरह से। इसको हम हल्का मिलाएंगे, डार्क नहीं लगाएंगे लाइन। और अब हमने क्या करना है, जितने आपका बी है, ये बी आपका है, इतनी प्रकार खोल के यहाँ से हमने इस रेखा को बी से जो है वो काट देना है ऐसे, ये हमने काट दिया यहाँ से। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आ गया यहाँ आपने लिखना है यहाँ पे ए, और जो ऊपर की लाइन हमारी है ये, इसको हम यहाँ से मिटा दें, ये हमारी फालतू की लाइन है ये हमने यहाँ से मिटा दी है। अब आपने क्या करना है, ए पर प्रकार रखो, बी जितनी प्रकार आपने पहले ही खोल रखी है, और यहाँ से आपने लगानी है एक चाप, और इस तरह से ये आपकी चाप आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे ये चाप यहाँ पे कट रही है, ये आपका पॉइंट आ गया सी। अब आपने क्या करना है, सी और ए को भी आपने आपस में मिला देना है, तो सी ए और ए बी, ये दोनों जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आपकी बन गई है एम कोण और एक भुजा बी की सहायता से, ये आपकी बी भुजा है। इस तरह से आपने ये बनाना है, ये बन के तैयार हो गया है, ये आपका है 43 क्वेश्चन नंबर।